खबर सहरसा से है, जहां नगर निगम की व्यवस्था से नाराज एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने नगर निगम के बोर्ड की बैठक के बाद जमकर हंगामा किया। इस दौरान नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नगर निगम के आयुक्त मुमुक्षु चौधरी के मुंह पर कालीख पोत दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि वार्ड पार्षद प्रतिनिधि नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त के सामने हंगामा कर रहा है। इसी बीच वो नगर आयुक्त के चेहरे पर कालीख पोत दिया, जिसके बाद नगर आयुक्त के गार्ड ने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि को रोका। दरअसल बीते कल नगर निगम में बोर्ड की बैठक हो रही थी, जिसमें नगर निगम के सभी वार्ड पार्षद, मेयर, उप मेयर, नगर आयुक्त भी शामिल हुए। बैठक के बाद वार्ड नंबर 26 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अली खान तारिक ने अपने वार्ड में जल जमाव, नाले सहित अन्य सफाई व्यवस्था को लेकर नगर आयुक्त के सामने हंगामे करने लगा और इसी बीच नगर आयुक्त के चेहरे पर कालीख पोत। खुलासा के लिए सहरसा से इंद्रदेव की यह रिपोर्ट।